हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति स्पाइसी टिपल। तो आज स्वाति आपके साथ लेके आई है गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी। ठंड में तो ये स्पेशली कचौड़ियाँ सबके घरों में बनती है, पर आज हम इसे बिना आटा लगाए बनाएंगे, ना कोई मैदा ना कोई आटा। आज हम इसे एक नए तरीके से बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं मैंने इस कचौड़ियों को कैसे बनाया। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 ग्राम मटर। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से धोकर और इसको सोक कर लिया है। अब मैंने इसे जार में ट्रांसफ़र किया है। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आपको लहसुन खाना पसंद तो आप इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ सूखे मसाले, जैसे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया। इसको मैं काफ़ी अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट होने के बाद इसमें एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लगेगी। गैस का फ्लेम टर्न ऑफ करेंगे और इसे हम दूसरे उसमें प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ रख रही हूँ फ्राई पैन सेम, और अब मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से दरदरा सा कूट कर यहाँ पर ऐड करा है। इसे 1 मिनट के लिए ऐसी बस फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने जो मटर को ग्राइंड करके रखा है, उस सारे मटर के पेस्ट को मैं इसमें ऐड करूंगी। मटर की जो कचौड़ियाँ हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है, बट आप इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बना सकते हैं, वो भी कुछ ट्रिक के साथ। तो ट्रिक को फॉलो करिएगा, रेसिपी को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और अब मैं यहाँ पर मटर 3 से 4 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैं 3 से 4 छोटे छोटे मीडियम साइज़ के आलू मैश करके डाल रही हूँ। आपका मन है तो आलू ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे बिना आलू के भी बना सकते हैं। बट आलू से क्या होता है ना, कचौड़ी की बाइंडिंग भी अच्छी से होती है और इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए काफ़ी अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब लाल चिली पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच के 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर, और यहाँ पर अब 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1/2 लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इस कचौड़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। 3 सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ छोटे वाले 2 चम्मच खाने वाले बेसन। इसके अलावा मुझे और बेसन यहाँ ऐड नहीं करना, बेसन से भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। सारे मसाले बड़े अच्छे से इन्हेंस हो जाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए स्टफिंग बनके तैयार है, ऊपर से मैंने कोरिएंडर भी डाल दिया है, और मैं इसे थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ। मेरे को इसे टोटल बनाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा ये मसाले को अच्छे से भूनने के लिए, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए और ये मसाला बिल्कुल बनके रेडी है। तो इसको हम एक खाली कर लेते हैं और प्लेट में ठंडा होने देते हैं। अब चलते हैं इसके ऊपर की स्टफिंग बनाने के लिए, यानी इसके ऊपर से कोटिंग जो हम करेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 ग्लास पानी, तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी को काफ़ी अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ, और स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ सूजी। तो सूजी को मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है, 1 ग्लास ही मैंने पानी लिया था। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली पाउडर ऐड किया है। अगर आप चिली पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्कीप भी कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से मिला कर रखूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी लिया था पूरा, तो यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी को और ऐड करूँगी। तो ये देखिए, बैटर को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, वरना आपको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उतना आपको गैस भी कंज्यूम होगी। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया है, और अब मैंने 1/4 कप पानी ऐड करके सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस मिश्रण में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, धीरे धीरे आप इसे चलाते रहे, और चलाने के बाद इसको इसका एक सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए। और ये डो को मैं बिल्कुल ठंडा करूँगी, और अब मैं आपकी इससे कचौड़ियाँ बना के दिखाती हूँ। हाथों को पहले ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा बैटर हम ले लेंगे, जितनी बड़ी आपको कचौड़ी चाहिए उतना बड़ा आप बॉल ले लीजिए यहाँ पर। और छोटी छोटी मैंने मसाले की जो बॉल्स हैं वो बना के ऑलरेडी रेडी कर रखी हैं, और बस इस तरह से हम कचौड़ियों को बनाएंगे। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कचौड़ी बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, बट आपकी जो ये कचौड़ी है, जैसे मेरी थोड़ी सी खुल गई है, ये कचौड़ी कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कचौड़ी कहीं से भी फट जाएगी या खुली होगी तो ये तेल में बिल्कुल जाके खुल जाएगी। तो आप इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसको ऐसे बाइंड करिएगा, और ये काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। तो सारी कचौड़ियाँ बना के मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे रखा था ऑयल काफ़ी अच्छे से हो गया है, और मैं इसे पहले डाल के कुछ थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ऑयल काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और सब कचौड़ियों को ऐड कर लेंगे। कचौड़ियों को हमें तब तक नहीं पलटना तब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये कचौड़ियों को भी बनने में, यानी एक तरफ सिकने में
काफ़ी टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। तो बहुत पेशेंस के साथ इस कचौड़ियों को फ्राई करिएगा। देखिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई थी और ये काफ़ी अच्छे से अब इजीली पलट भी जाएगी क्योंकि सूजी का बैटर है। अगर आप इसे जल्दी में पलटेंगे या फिर चेंज करेंगे इसको दूसरी साइड से तो ये चुपक भी सकती है कढ़ाई या आपके पलटे में। तो बस स्पैचुला की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही सारी कचौड़ियाँ बनके इसी तरह से तैयार हो गई हैं और बस एक एक करके मैं सारे बैच को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेस्टी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।